हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। हम लोग प्लांट किंगडम के सीरीज में आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। सो ब्रायोफाइट्स आर द ओल्डेस्ट या फिर मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट टाइप इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। दीज इंक्लूड्स, तो ब्रायोफाइट्स में आते हैं लिवरवॉर्ट्स मॉसेस। तो पहले इसमें लिवरवॉर्ट हॉर्नवॉर्ट मॉसेस आते थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। लिवरवॉर्ट में इसका जो एग्जाम्पल है लिवरवॉर्ट का, इसमें आता है ऋषिया एंड मार्कंशिया। ऋषिया एंड मार्केंशिया, और इसमें प्रेजेंट होता है जिमा कप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जिमा कप्स। और मॉसिस में फ्यूनेरिया, और जिसमें कि जो इसका बॉडी होती है होते डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स मोस्टली ऑकर्स इन। सो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमिड डैम्प एंड शेडेड लोकेलिटीज में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड पे तो रहते हैं, इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो ये रहते हैं लैंड में, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे वाटर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट है। दे ऑकर्स ओनली इन वाटर, तो ये नहीं करेक्ट है क्योंकि लैंड वाटर दोनों में रहते हैं। दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, ये करेक्ट है, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉसेस जिसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स ऑकर्स इन मॉइस्ट प्लेसेस बिकॉज, क्योंकि इनको चाहिए वाटर फॉर फ्यूजन। दियर गैमेट्स फ्यूज इन वाटर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच विद द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ। तो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। तो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ ये नहीं पाया जाता है इनकेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसमें सिर्फ राइजोइड्स एंड थलोइड बॉडी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, सो वो होती है हैप्लॉइड। एन भी कह सकते हैं हम इसको हैप्लॉइड, क्योंकि वो होती है मेन बॉडीज की, होती है गैमेटोफिटिक, जो कि होता है हैप्लॉइड। एंड इट प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस करता है गैमेट, क्योंकि गैमेटोफिटिक है तो प्रोड्यूस करेगा गैमेट, हेंस इज कॉल्ड ए, इसे कहते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाई। सो ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो ब्रायोफाइट्स केस में जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन, और जो होता है रिसेसिव वो होता है स्पोरोफिटिक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स एंथीडियम प्रोड्यूस। तो एंथीडियम प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजेटेड एंथ्रोजॉइट्स, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सी ओनिया प्रोड्यूस एग, मतलब वन एग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, तो वो होता है सिलिएटेड स्पर्म। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर ब्रायोफाइट्स। सो आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये करेक्ट है क्योंकि आर्चिगोनिया फॉर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रीडियम यूनिसेलुलर फीमेल गैमेट्स, नहीं यूनिसेलुलर फीमेल नहीं, ये करेक्ट है, यहाँ पे मेल गैमेट्स होता है ये, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। एंथ्रोजॉइट्स बाइफेजेटेड मेल गैमेट्स, ये करेक्ट है। सो इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। पीट मॉस इज, तो उसे कहते हैं स्फेग्नम। The plant capacity of absorbing water used to replace cotton and used as a fuel, तो वो होता है sphagnum। So correct answer option C, peat moss। Mosses along with lichen are of great ecological importance because, क्योंकि they colonize barren rocks and decompose rocks, से correct है। Of their contribution to prevent soil erosion, ये भी correct है। Of their contribution to in ecological succession, ये भी correct है। So correct answer option D, all of the above। In which way mosses affect the quality of soil? तो क्वालिटी, तो जो मॉसेस होते हैं वो क्वालिटी ऑफ सॉइल को इनहेंस करते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट कर देते हैं सॉइल इरोजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इन गिवन फिगर ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए की, तो ये डायग्राम है फ्यूनेरिया का, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, और जहां पे ये ए है ये है कैप्सूल, बी है सीटा, और यहाँ पे जो सी है ये वाला है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफाइट है ये, और ये है स्पोरोफाइट।
सो करेक्ट आंसर ए कैप्सूल बी सीटा, ए कैप्सूल बी सीटा, सी स्पोरोफाइट, डी गैमेटोफाइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ए एंड बी इन गिवन फिगर रिप्रेजेंट, सो ए यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच जो ऊपर होगा उसे कहते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच, और जो नीचे होगा बी इसे आर्चिगोनियल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी। तो जो यहां पे ये है सी, ये है जेमा कप्स, ये है जेमा कप, और जेमा कप होगा आर्चिगोनिया पे, आर्ची आर्चिगोनियो फोर, और बी है एंथ्रीडियो फोर, एंथ्रीडियो फोर। सो यहां पे करेक्ट आंसर है ए आर्चिगोनिया, बी एंथ्रीडियो, सी जेमा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट प्लॉइडी लेवल ऑफ लेबल्ड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है ये शो करता है डिप्लॉइड या फिर टूवेन, ये ऑप्शन करेक्ट है। एंथ्रीडिया हैप्लॉइड ये भी करेक्ट है, राइजोइड्स हैप्लॉइड ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर ब्रायफाइट से क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।